मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में शासकीय हाई स्कूल फुलवारी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह स्कूल आम से खास हो गया है। यहाँ बच्चों से लेकर प्राचार्य तक और भवन से लेकर सुविधाओं तक सब कुछ यहाँ पर विशेष है, जो यह परिलक्षित करता है कि यदि इंसान में कुछ कर जाने की चाहत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण शासकीय हाई स्कूल फुलवारी के प्राचार्य ने पेश की है। वैसे तो शासकीय स्कूल खुलने का समय तो 10:30 बजे का है, लेकिन यहाँ पर सभी बच्चे और शिक्षक सुबह 10:15 पर पहुँच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि 10:30 बजे से कक्षा प्रारंभ हो जाए और पढ़ाई प्रभावित न हो। बच्चों को प्रार्थना माइक और बॉक्स के माध्यम से कराई जाती है। इसके लिए प्राचार्य मुद्रिका प्रसाद शुक्ला ने विशेष रूप से सुविधा की है। सुबह 10:15 पर 90% से अधिक बच्चे और 100% शिक्षक उपस्थित हो जाते हैं। बच्चों ने बताया कि प्राचार से प्रभावित होकर प्रत्येक कमरों में सरस्वती की प्रतिमाएं रखी गई हैं। हम कक्षा शुरू होने से पहले माँ सरस्वती की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर और अगरबत्ती जलाकर वंदना करते हैं। इसके बाद कक्षा में बैठते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल में बच्चों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों और शिक्षकों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रत्येक कमरों में 6 से 8 पंखे लगाए गए हैं। बच्चों के बैठने के लिए टेबल की व्यवस्था की गई है। प्रचार ने बताया कि CCTV कैमरे में प्रत्येक बच्चे और शिक्षकों के ऊपर हमारी नजर बनी रहती है। अगर कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं या कोई बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए हमने CCTV कैमरे लगाए हैं। प्राचार्य कक्ष में बैठकर हम खुद इसकी निगरानी करते हैं। स्कूल के प्राचार्य से लेकर चपरासी तक नियमों के पाबंद हैं। उसी तरह समूह के संचालक भी पूर्ण रूपेण मध्याह्न भोजन के मानकों का पालन कर रहे हैं। जिस दिन जो भी मेन्यू है उसी अनुसार बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। प्राचार्य मुद्रिका प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इससे सामने वाला चाहते हुए भी शिकायत नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए शिकायत पेटी लगाई गई है ताकि कोई भी बिना किसी झिझक के साथ शिकायत पेटी में अपनी शिकायत दे सकता है। इसी स्कूल की देन है कि कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र आराध्य तिवारी इन दिनों पूरे देश में कौटिल्य के नाम से विख्यात है। आराध्य को उनके कक्षा शिक्षक हरीश पांडे और प्राचार्य मुद्रिका प्रसाद शुक्ला के मार्गदर्शन में स्तुति वचन सहित 400 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं। सिहावल क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सीधी जिले का आदर्श है। इसमें और सुविधाओं के लिए हम और प्रयास करेंगे ताकि यहाँ किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके। यह स्कूल आदर्श स्कूल के रूप में जाना जाता है। दरअसल यह पूरा मामला सीधी जिले का बताया जाता है।